हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम एंड किचन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी कपड़ा ऐसे फट जाता है, उसमें ऐसा होल हो जाता है, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं बिना किसी सुई धागे या किसी मशीन की हेल्प से। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम सुई धागे से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो और ज़्यादा खराब दिखने लगता है, वो और अटेंशन ग्रैब करता है और आपका ध्यान खींचता है, या फिर हमें उसको टेलर के पास ले जाना पड़ता है, तो आधी बार तो हम उस कपड़े को पहनना ही बंद कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसे हम कैसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक टी शर्ट है, इसके अंदर एक होल हो गया है। कई बार क्या होता है, कोई कपड़ा हमारा बहुत फेवरेट होता है और फट जाता है और उसकी वजह से हमें उसे फेंकना पड़ता है। तो देखते हैं, अब ये देखिए इस होल को, ये देखिए किस कभी कभी क्या होता है, कहीं किसी तार में या कहीं पे भी फंस के कोई नई चीज़ भी आपकी फट जाती है। तो हम देखेंगे कि इसे हम कैसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है कि एक ये फ्यूजिंग पेपर लेना है, ये आपको कहीं पे भी टेलरिंग किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। आधी बार तो क्या होता है, अगर आप उसे मांगते तो छोटा पीस आपको ऐसे ही दे देता है, या फिर अगर आप इसका आधा मीटर भी लेंगे तो भी ये कई साल तक आपका काम उसी से चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जितना हमारा होल है उसके हिसाब से हम इसमें से एक पीस काट लेंगे। ये देखिए इतना बड़ा, ये हमारा इस होल के हिसाब से हमने इतना बड़ा ये टुकड़ा इसका काट लिया है, उसको हम दो पीसेस में कर लेंगे। इसकी एक जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, थोड़ी सी स्लिपरी है। इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि गम लगा होता है तो इसलिए ये थोड़ा सा चिकना दिखता है। दोनों टुकड़ों को क्या करेंगे कि जो इसका शाइनी सरफेस है, जो चमकीला पार्ट है, उसको हम ऊपर रखेंगे। फिर हम इसके कॉर्नर्स को निकाल लेंगे, हम इसे ऐसे गोल गोल काट लेंगे। ये देखिए ऐसे होल के हिसाब से हमने इतना बड़ा टुकड़ा काट लिया है। और फिर हम क्या करेंगे कि इस टी शर्ट को, जो इसका ये फटा हुआ हिस्सा है, इसके जस्ट नीचे उस उन टुकड़ों को लगा देंगे। और फिर देखिए अपनी फिंगर की हेल्प से उसको बंद कर देंगे। फिर क्या करना है कि हमें आयरन लेनी है, तो उसको हम लोअर सेटिंग पे रखेंगे और फिर उसके ऊपर से ऐसे इसे 10 से 15 सेकेंड तक हमें इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए होल पूरी तरह से बंद हो गया है। ये देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि टी शर्ट कहाँ से फटी हुई थी और ये एकदम पहले जैसी पूरी तरह से रिपेयर होगी। देखिए पीछे, और ये इतनी अच्छे से चिपक जाता है कि ये मशीन में भी धोएंगे तो भी निकलेगा नहीं। फ्रेंड्स, ये तो हमारा आज का वीडियो, ये आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।